दोस्तों, यह तो आप सभी मानते हैं ना कि हमारा यूनिवर्स बड़ा ही अजीब और मज़ेदार है, क्योंकि हम इसे जितना भी सुलझाने की कोशिश करते हैं यह उतना ही पेचीदा होता चला जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जितने भी समुद्री रेतीले तट हैं और उसमें जितने भी कण मौजूद हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में तारे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे समुद्र में जितने भी अजीब व गरीब जीव सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारे ब्रह्मांड में ग्रह मौजूद हैं। दोस्तों, ग्रह, आपको लगता होगा कि सभी ग्रह गोल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे ग्रह पाए जाते हैं जो आपको जरूर चौंका देंगे। दोस्तों, मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। चलिए आज का यह एपिसोड आपके अपने दोस्त सूरज के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर मैंने जो ग्रह लिया है वो है ग्लीज 456b। दोस्तों, यदि आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको यह तो जरूर मालूम होगा कि जहाँ आग है वहाँ गर्मी जरूर होगी और जहाँ बर्फ मौजूद है वहाँ ठंड। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी ग्रह है जो इस थ्योरी को गलत साबित करता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लीज 456b बड़ा ही अजीब ग्रह है, क्योंकि दोस्तों यह बर्फ का बना हुआ ग्रह एक समुद्री ग्रह है, लेकिन फिर भी यह ग्रह धधकते हुए कोयले के बराबर गर्म है। दोस्तों, इस ग्रह का तापमान लगभग 436 डिग्री सेल्सियस यानी कि 436 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी इस ग्रह पर पानी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ मुझसे एक सवाल उठाएंगे कि यह बर्फ होने के कारण इस ग्रह का तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह ग्रह लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हद से ज़्यादा है, और अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यह पिघलती हुई बर्फ की वाष्प को वापस अपनी सतह पर खींच लेता है, और इसलिए इस पर कभी भी बर्फ भाप में नहीं बदल पाती। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो मैंने ग्रह लिया है उसका नाम है 55 केंक्री ई। दोस्तों, मेरे ख्याल से यह ग्रह लड़कियों का मनपसंद यानी कि फेवरेट हो सकता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर ज्वेलरी पसंद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, यह ग्रह पूरी तरह से डायमंड यानी कि हीरे का बना हुआ है। दोस्तों, यह ग्रह हमारी पृथ्वी से दुगना है और बेहद ही सुंदर ग्रह है। दोस्तों, अब आपका यहाँ एक सवाल होगा कि यह पूरी तरह से हीरे से कैसे बना हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह पर सभी जगह बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, और यह कार्बन बहुत ही सघन व घना है, और अधिक दबाव व घने होने के कारण सारा कार्बन हीरे के रूप में मौजूद है। लेकिन यहाँ लड़कियों के लिए एक दुखी की बात है, क्योंकि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूरी पर है, और अभी इस ग्रह पर जा पाना नामुमकिन है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो ग्रह मैंने लिया है वो है ग्लीज 581c। दोस्तों, हम इस ग्रह को एलियन वाला ग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह सबसे अधिक जीवन वाला ग्रह है, और अधिक जीवन होने की संभावना के कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर एलियन जरूर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दुखी की बात यह है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 20.5 लाइट ईयर्स दूरी पर है, और यह ग्रह हमारी पृथ्वी से काफ़ी अलग है। दोस्तों, यह ग्रह एक लाल तारे की परिक्रमा कर रहा है। यदि हम इस ग्रह को टेलीस्कोप से देखें तो यह हमें लाल रंग का ही दिखाई देगा। दोस्तों, इसका एक रोचक तथ्य है कि यह अपने अक्ष पर नहीं घूमता है, और अक्ष पर नहीं घूमने के कारण इसका एक हिस्सा सदैव सूर्य की ओर यानी कि प्रकाश में, वह एक हिस्सा सदैव अंधेरे में रहता है, और जो हिस्सा सूर्य की ओर है वह इतना गर्म है कि हम जलकर राख हो जाएंगे, और जो हिस्सा अंधेरे में है वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ एक सवाल उठाएंगे कि इस पर जीवन कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह के बीच वाला हिस्सा हैबिटेबल जोन के रूप में है, और इसी कारण इस पर एलियन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एलियंस को इस ग्रह पर ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने हमारी धरती से इस ग्रह पर बहुत से सिग्नल छोड़े हैं, जो आज भी इस ग्रह की ओर जा रहे हैं, और ये सिग्नल उस ग्रह पर 2029 तक पहुंच जाएंगे। यदि वहां एलियन हुए तो शायद हम उनसे बात कर सकेंगे। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि एलियंस हैं या नहीं, तो आपको 2029 तक इंतजार करना होगा या इस ग्रह पर जाना होगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर मैंने जो ग्रह लिया है वो है वास्प 17b। दोस्तों, आप बृहस्पति ग्रह को तो भलीभांति जानते ही हैं, वे आप इसके आकार से भी भलीभांति परिचित हैं। दोस्तों, आप इसके आकार का अनुमान इसी से ही लगा सकते हैं कि इस ग्रह में करीब 1600 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपका यहाँ एक सवाल उठेगा कि वास्प 17b को समझाने के लिए
मैं जुपिटर को क्यों समझा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्प 17b हमारे जुपिटर से 2 गुना बड़ा ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा ग्रह का हमारे यूनिवर्स में पाया जाना एक अजीब रोचक तथ्य है। वह इसके अलावा इसके आकार के हिसाब से इसकी सघनता काफ़ी कम है। दोस्तों, इस ग्रह की एक और अजीब बात यह है कि जहाँ सभी ग्रह सूर्य के एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, वहीं वास्प 17b अपने सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसलिए दोस्तों, यह ब्रह्मांड का सबसे अजीब ग्रह माना जाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो ग्रह है वो है HD 188753 AB। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में केवल एक ही तारा सूर्य है, हालांकि ज़्यादातर सौरमंडल में एक ही तारा होता है। HD 188753 AB ग्रह का एक तारा नहीं बल्कि 2 से भी अधिक यानी कि 3 तारे का यह ग्रह परिक्रमा करता है। दोस्तों, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें हमारी परछाई एक ही दिखाई देती है, लेकिन यदि आप HD 188753 AB ग्रह पर खड़े हो जाएं तो आपको अपनी 3 परछाई दिखाई देंगी। दोस्तों, इस ग्रह के सौरमंडल में 3 सूर्य होने के कारण ब्रह्मांड का सबसे हसीन सूर्योदय व सूर्यास्त इसी ग्रह पर दिखाई देता है। दोस्तों, यह ग्रह हमसे 150 लाइट ईयर्स दूरी पर है। अफसोस, हम इस नज़ारे को अभी नहीं देख सकते। दोस्तों, हमारे आगे की लिस्ट में जो ग्रह है वो है Kepler 438b। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं यानी कि यदि आप हमारी वीडियोज को पहले से ही देखते आ रहे हैं तो आप समानता सूचकांक के बारे में तो जरूर जानते होंगे, यानी कि अर्थ सिमिलरिटी के बारे में। दोस्तों, यदि किसी ग्रह को समानता सूचकांक में 0 अंक मिलता है तो वो ग्रह हमारी पृथ्वी के समान नहीं होता है, और यदि किसी ग्रह को 1 अंक मिलता है तो उसे हम दूसरी पृथ्वी भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह ग्रह Kepler 438b हमारी धरती से 470 लाइट ईयर्स दूरी पर है और इस ग्रह को समानता सूचकांक में 0.88 अंक प्राप्त हुए हैं, और 0.88 अंक होने के कारण Kepler 438b ग्रह पृथ्वी की समानता में सबसे आगे है। दोस्तों, इसके अलावा यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। दोस्तों, यदि आप एक एलियन ग्रह की तलाश कर रहे हैं तो यह ग्रह एलियन वाले ग्रहों में शामिल है। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड में आगे है Wasp 12b। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हमारे यूनिवर्स का सबसे बदकिस्मत वाला ग्रह कौन सा है तो यकीनन आप सभी को Wasp 12b ग्रह का नाम लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रह हमारे यूनिवर्स का सबसे दुर्भाग्यवश ग्रह है, क्योंकि यह ग्रह जिस तारे के चक्कर लगाता है यह उस ग्रह के बेहद नज़दीक स्थित है, जिसके कारण इसका तापमान बेहद अधिक है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह ग्रह हमारे जुपिटर के बराबर है, लेकिन सूर्य के नज़दीक होने के कारण 6 बिलियन मेट्रिक टन प्रति सेकंड इसकी सतह घट रही है, और इसी कारण यह ग्रह गोलने होने के साथ साथ चपटे के आकार का हो गया है। दोस्तों, 8वें नंबर पर जो ग्रह मैंने लिया है वो है डार्क प्लेनेट यानी कि TRACE 2b। दोस्तों, यह ग्रह TRACE 2b हमारी धरती से करीब 750 लाइट ईयर्स दूरी पर है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह अपने तारे की सिर्फ 1% ही रोशनी को परावर्तित करता है, जिसके कारण इसे देख पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यह ग्रह हमारे यूनिवर्स का सबसे डार्क ग्रह है यानी कि अंधेरे में रहने वाला ग्रह। दोस्तों, यहाँ आप सभी का एक सवाल होगा कि यह ग्रह काला क्यों दिखाई देता है, आखिर यह प्रकाश को परावर्तित क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस ग्रह पर प्रकाश को परावर्तित न करने वाली वायु पाई जाती है, जिसके कारण यह प्रकाश परावर्तित नहीं करता है। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि यह ग्रह काले रंग के अलावा लाल रंग का भी दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, यह लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका तापमान लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर जो मैंने ग्रह लिया है वो है Kepler 186f। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि Kepler 186f को हमारी धरती का कजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह की ग्रेविटी का मान हमारी अर्थ के समान हो सकता है। वह इस ग्रह पर पाने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, यह ग्रह हमारी धरती से 500 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, इस ग्रह पर आश्चर्य की बात यह है कि यह अपने तारे से 33% लाइट को अवशोषित करता है, और 33% रोशनी लेने के कारण इस ग्रह का सबसे चमकीला दिन हमारी पृथ्वी पर सदैव रहता है, यानी कि हमारी धरती पर दिखाई देने वाली यह चमकीली शाम
इस ग्रह पर सबसे चमकीला दिन होता है। दोस्तों जो आखिर में मैंने जो ग्रह लिया है उसे हमारे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक व सुंदर ग्रहों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों इस ग्रह का नाम है HD 189773b। दोस्तों यह ग्रह HD 189773b एक नीले रंग का सुंदर ग्रह है जिस कारण यह बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। यदि आप इस ग्रह को टेलीस्कोप से आंखों से देखेंगे तो यह आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन दोस्तों यह ग्रह खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि इस ग्रह का वातावरण सिलिकॉन से भरा पड़ा है जिसके कारण यह नीला दिखाई देता है। दोस्तों इस ग्रह का तापमान बेहद अधिक है जिस कारण इस ग्रह के तत्व सिलिकॉन कांच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। वह यहाँ कांच की बरसात होने लगती है। वह इस पर चलने वाली तूफानी हवाएं इस ग्रहों को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूनिवर्स के कुछ अजीब ग्रह। आपको कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा अजीब लगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।